रियल इंसिडेंट भी कह सकते हो। तो ये पहली स्टोरी है पीटर ब्रैंड की, जिसने अपने ही दोस्त के दिमाग को तल कर खा लिया था। हाँ भाई, मैं बात कर रहा हूँ पीटर ब्रैंड की, जिस स्टार्टिंग में बिल्कुल अच्छा इंसान था, उसका कोई दोस्त नहीं था और वो काम करता था निशा सेठ के फादर के दुकान पर। हाँ भाई, ये एक इंडियन ओरिजिन स्टोरी है। उसकी दुकान पर काम करता था और ये निशा सेठ को मन ही मन चाहने लगा था, लेकिन निशा सेठ इसको नहीं चाहते थे। खुंदक खाकर इसने निशा सेठ के माइंड पर इतनी बार हिट किया कि उसका दिमाग फट कर हाथ में आ गया था। उसके बाद उसको ट्रांसफर कर दिया गया था सोशल वर्कर के लिए ओपन साइकेट्रिस्ट वार्ड में 2004 तक, यानी कि 16 साल तक उसको आइसोलेटेड रखा गया था। उसके बाद उसकी अच्छी हरकतों की वजह से उसे बाद में छोड़ दिया गया था, लेकिन उसको कड़े पहरे में रखा जाता था। उसके बाद उसका एक दोस्त बना था ब्रियन चेरी, उसको भी उसने हैमर के साथ मार दिया था। हाँ भाई, ये वही है जिसके दिमाग को इसने तल कर खा लिया था। और इसने कहा था इट वॉज नाइस, ही सेड, इसने कहा था कि बहुत अच्छा लगा।